हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे भाई 20,000 रुपए में सबसे बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा है। अभी रिसेंटली कुछ ही दिन पहले जो है रियलमी ने अपना 7 प्रो लॉन्च करा था। मैंने बोला था यार सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है, लेकिन अब उसको कम्पीट करने के लिए पोको ने भी लॉन्च कर दिया अपना पोको X3। आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे भाई दोनों का कंपेरिजन वीडियो बनाओ और बताओ भाई दोनों में से 20,000 रुपए में कौन सा स्मार्टफोन परचेज करे। तो करेंगे यहाँ पर डिटेल कंपेरिजन बिटवीन दिस टू स्मार्टफोन और आपको बताऊंगा दोनों में से आपके लिए यहाँ पर कौन सा बेटर डिवाइस रहेगा 20,000 रुपए की रेंज में। तो कर देना वीडियो को लाइक। वीडियो का लाइक का टारगेट रखता हम 3,000 लाइक्स का। आई होप क्या पर आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर दोनों ही फोन के प्राइस पॉइंट और अवेलेबिलिटी को लेके। तो पोको X3 का पहला फ्लैश सेल 29 सितंबर को यहाँ पर फ्लिपकार्ट पे रहने वाला है, जिसका बेस वेरिएंट है 664। वो आपका चालू होता है 17,000 रुपए की प्राइस पॉइंट से, जबकि 628 अगर आप देखोगे तो 18,500 रुपए का देखने को मिलता है। जबकि वही चीज अगर हम रियलमी 7 प्रो में देखते हैं तो जो बेस वेरिएंट है 6128 से स्टार्ट होता है, वो आपको 20,000 रुपए का देखने को मिलता है। तो अगर आप स्टोरेज टू स्टोरेज भी कंपेयर करते हो तो पोको का स्मार्टफोन 1,500 चीपर है एज कम्पेयर टू रियलमी वाले स्मार्टफोन से। चलिए अब कंपैरिजन को स्टार्ट करते हम यहां पर दोनों फोन के बिल और डिजाइन से। तो देखोगे दोनों में आपको डिजाइन काफी यूनिक सा अलग-अलग देखने को मिलता है। दोनों का ही काफी अच्छा यहां पर डिजाइन देखने को मिलता है, नया डिजाइन है। बैक पैनल दोनों में ही पॉलीकार्बोनेट बॉडी का इस्तेमाल करा गया है, लेकिन पोको में एक एडवांटेज यह है कि जो फ्रेम है साइड की वो आपको एल्युमिनियम की मतलब मेटालिक देखने को मिलती है, जबकि रियलमी के स्मार्टफोन में वो भी प्लास्टिक की बनाई गई है। तो ओवरऑल अगर आप बिल और डिजाइन दोनों यहां पर चीज देखते हो तो मुझे यहां पर बेटर लगा है पोको X3 एज कंपेयर टू रियलमी 7 Pro से। डिस्प्ले की अगर हम बात करें, ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनना। Realme 7 Pro में आपको 6.4 इंच का एक सिंगल पंच होल के साथ में सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, 60 हर्ट्ज का है, FHD+ रेजोल्यूशन है और गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोडक्शन आपको देखने को मिलती है। जबकि वहीं अगर हम Poco में देखें तो Poco में आपको 6.67 इंच का एक बड़ा सा डिस्प्ले मिलता है पंच होल के साथ में। ये एक IPS पैनल है, लेकिन यहां पर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया गया है और यहां पर आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन भी मिलती है और 240 हर्ट्ज का सैम्पलिंग रेट का भी सपोर्ट मिल जाता है। तो डिस्प्ले अभी आपके पर है भाई, आपको अगर कॉम्पैक्ट साइज का चाहिए एमोलेड डिस्प्ले आपको पसंद है तो आप Realme के साथ में जा सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसे गए भाई जिसको हाई रिफ्रेश रेट चाहिए, बड़ा डिस्प्ले चाहिए, ज्यादा मूवीज वगैरह देखते हो, ज्यादा गेम चाहिए और बड़ी स्क्रीन चाहिए, तो आप पोको के डिस्प्ले के साथ में जा सकते हो। ये अपनी पर्सनल चॉइस रह सकती है। बात कर लेते हैं यहाँ पर दोनों फोन के रैम एंड रोम के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, पोको का डिवाइस 664 से स्टार्ट होता है, जबकि रियलमी का 6128 से स्टार्ट होता है। अलग अलग वेरिएंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन रियलमी में एक एडवांटेज ये है कि यहाँ पर आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है, जबकि पोको में आपको हाइब्रिड स्लॉट देखने को मिलता है। ट्रिपल कार्ड यहाँ पर भी मेरे हिसाब से रहना चाहिए था। दोनों ही फोन में आपको UFS 2.1 स्टोरेज टाइप देखने को मिलता है और LPDDR4X का रैम टाइप भी देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो रियलमी 7 प्रो में आपको जो स्नैपड्रैगन का 720G का चिपसेट मिलता है, जबकि हम पोको की बात करें तो वहां पर आपको स्नैपड्रैगन का 732G का चिपसेट मिल जाता है। दोनों ही आपका 8nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। GPU भी दोनों में सेम है, एड्रिनो का 618 का GPU मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस में ये नहीं बोलूंगा कि भाई जमीन आसमान का फर्क है, थोड़ा माइनस ही अपग्रेड आप बोल सकते हो पोको का। यहां पर आपको प्रोसेसर मिलेगा एज कंपेयर टू रियलमी से, तो डे टू डे टास्क में तो आपको पता ही नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ा बहुत गेमिंग में हल्का बहुत ज्यादा स्मूथनेस आपको पोको के डिवाइस में देखने को मिल सकती है। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट स्टिल अगर सेम प्राइस पॉइंट पे है, चीपर में अगर आपको 732G मिल रहा है तो मैं आपको ज्यादा वही रेकमेंड करूंगा एज कंपेयर टू स्नैपड्रैगन 720G वाले स्मार्टफोन से। कैमरास की अगर हम बात करें, जो कि दोनों फोन का हाइडिंग फीचर है, दोनों ही फोन में आपको बैक में क्वाड कैमरे का सेटअप मिल जाता है। अगर Realme 7 Pro के सेटअप की बात करें तो 64 मेगापिक्सल का जो है आपको क्वाड कैमरे का जो प्राइमरी सेंसर है और IMX682 का सेंसर देखने को मिलता है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 2 का मैक्रो है, 2 की डेप्थ सेंसर है। जबकि Poco X3 की अगर हम बात करें तो अगेन यहां पर भी 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलता है, यहां पर भी IMX682 का इस्तेमाल करा गया है, लेकिन अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस को थोड़ा इंप्रूव करा गया है और ये बार आपको 13 मेगापिक्सल का दिया गया है। अगेन यहां पर भी 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। दोनों ही फोन आपका 4K 30fps तक के मैक्स वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। सेल्फी कैमरे की अगर हम बात करें तो Realme 7 Pro में आपको नाम के लिए 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, जबकि Poco X3 में आपको 20 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। कैमरास किसका बेटर रहेगा?
सेम प्राइमरी सेंसर है तो ज्यादा आपको फर्क देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, थोड़ा जो एल्गोरिथम है पोस्ट प्रोसेसिंग जो कंपनीज के यहाँ पर अपनी लगा के देती है ओवर सेचुरेशन और ये ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन डिटेलिंग आपको दोनों में प्राइमरी सेंसर में ऑलमोस्ट सेम मिलेगी। लेकिन मुझे पोको की एक चीज अच्छी लगी कि अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एटलीस्ट 13 मेगापिक्सल उन्होंने दिए, 8 मेगापिक्सल बहुत कम हो जाता है, तो ये चीज मुझे पोको की अच्छी लगी है। साथ में सेल्फी कैमरा आप सोच रहे 32 मेगापिक्सल का रियलमी का बेटर रहेगा, देखो अभी फिलहाल के लिए मैंने टेस्ट आउट करो इतना कुछ खास नहीं है। हाँ, अपडेट से मैं भी जो 32 मेगापिक्सल अच्छा कर दे वो लोग, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ठीक ठाक है। वैसे पोको का हमको पता ही है 20 मेगापिक्सल शाओमी वाले बहुत टाइम से दे रहे हैं, तो उसकी क्वालिटी भी हमें पता ही है। तो कैमरास दोनों के यहाँ पर तगड़े रहने वाले, अब आएगा तो डेफिनेटली कंपैरिजन करके आपको बता दूंगा। एंड्रॉइड वर्जन और यूआई की अगर हम बात करें तो दोनों ही फोन आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 10 देखने को मिल जाता है। पोको का डिवाइस जो है आपका मी यूआई पे चलता है, लेकिन पोको लॉन्चर मिल जाता है, जबकि अगर हम बात करें यहाँ पर रियलमी के स्मार्टफोन की तो आपका रियलमी यूआई पे यहाँ पर रन करता है। वैसे आपको पोको लॉन्चर शाओमी के यूआई के साथ में पसंद है या रियलमी यूआई पसंद है मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सेंसर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दोनों ही फोन में आपको सारे सेंसर देखने को मिल जाते हैं, लेकिन रियलमी 7 प्रो में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, जबकि पोको में साइड माउंटेड है। दोनों ही फोन में फेस अनलॉक का फीचर है, दोनों ही फोन में 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट है, लेकिन पोको में एक एडवांटेज ये कि यहाँ पर आपको आयर ब्लास्टर मिल जाता है जो कि रियलमी में नहीं है, और दोनों ही फोन में आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें तो इंडियन यूनिट में पोको X3 का थोड़ा बैटरी ज्यादा कर दी गई है, क्योंकि पोको X3 में जो आपको 6000 एमएच की बड़ी सी बैटरी मिलती है टाइप सी पोर्ट के साथ में, 33 वॉट का आपको फास्ट चार्जर बॉक्स में देखने को मिलेगा, जबकि रियलमी की अगर हम बात करें तो वहां पर जो आपको 4500 एमएच की बड़ी सी बैटरी मतलब ठीक ठाक कैपेसिटी है लेकिन अच्छी बैटरी चलती है टाइप सी पोर्ट आपको देखने को मिलता है, और वहां पर आपको 65 वॉट का अनबिलीवेबल सुपर डार्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है जो कि आपके फोन को 35 मिनट में फुल्ली चार्ज करके दे देता है। अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको बड़ी बैटरी के साथ में 33 वॉट का चार्जर चल जाएगा या आपको थोड़ी कम कैपेसिटी वाली बैटरी के साथ में आधे घंटे वाली चार्जिंग का सपोर्ट चाहिए। वैसे दोनों कॉम्बिनेशन में आप किसको चूज करोगे जरूर बताना नीचे कमेंट्स में। ये तो यहां पर दोनों फोन के कंपैरिजन। अब आप बोलोगे भाई दोनों में से कौन सा फोन परचेस करें, बेस्ट कौन सा है, तो चलिए अब मैं लाइन से सारे पॉइंट्स आपके साथ में यहां पर क्लियर कर देता हूं। सो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई Realme 7 Pro में आपको क्या कुछ चीजें बेटर मिल जाती है एज कम्पेयर टू Poco X3 से। तो सबसे पहली बात, ये कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर के साथ में आता है, छोटा डिवाइस है, वन हैंड इस्तेमाल काफी जबरदस्त है। उसी के साथ में यहाँ पर आपको एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, बहुत सारे लोगों को पसंद है तो वो चीज यहाँ पर आपको अच्छी देखने को मिलती है, एज वेल एज यहाँ पर आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, एज वेल एज आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट मिल जाता है, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आपको देखने को मिलता है जो कि अपडेट से आई होप सो कि यहाँ पर Realme अच्छा कर दे। और छठी चीज के यहाँ पर आपको 65 वॉट का सुपर डार्ट चार्जिंग मिल जाती है, तो ये 6 पॉइंट अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली आप Realme 7 Pro के साथ में जा सकते हो। अब Poco X3 आपको किस-किस को लेना चाहिए या Realme से क्या कुछ चीजों में बेटर है, तो सबसे पहली बात कि यहां पर आपको एल्युमिनियम की फ्रेम देखने को मिल जाती है जो कि आपका लॉन्ग रन के लिए काफी अच्छा रहेगा, ड्रॉप वगैरह फोन गिरता उड़ता है तो यहां पर इतना आसानी से नहीं टूटता है और इंपैक्ट वगैरह ठीक-ठाक कर लेता है। दूसरी चीज में अगर हम देखेंगे तो यहां पर आपको 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है, बड़ा डिस्प्ले और टच सैंपलिंग रेट भी आपको बेटर मिलता है, तो गेमिंग वगैरह के डिपार्टमेंट में अगर आप ज्यादा हो तो ये डिस्प्ले आपको यहाँ पर काफी कमाल का लगेगा। तीसरी चीज, आपको स्नैपड्रैगन का 732G का चिपसेट मिल जाता है जो कि ये प्राइस पॉइंट पे मतलब अभी फिलहाल के लिए इंडिया में कोई भी प्रोवाइड नहीं करा रहा है, और 18,500 रुपए 17,000 रुपए में अगर आप पकड़ोगे तो काफी आपको बढ़िया सी चिपसेट मिल जाता है। चौथी चीज, यहाँ पर आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस का जो सपोर्ट मिल रहा है 13 मेगापिक्सल का, जो कि अगर आप अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस शॉट अगर लेते हो तो 8 मेगापिक्सल 13 मेगापिक्सल काफी ज्यादा मैटर करता है इन टर्म्स ऑफ डिटेलिंग। पांचवी चीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको एक आयर ब्लास्टर का फीचर मिल जाता है जो कि काफी बढ़िया चीज है, जिसकी मदद से आप एसी टीवी और सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स वगैरह आप यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हो। छठी चीज, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको बड़ी बैटरी मतलब 6000 एमएच की मॉन्स्टर बैटरी है जो कि आराम से 2 दिन यार आपका निकाल देगी, तो वो सारे अगर आपको 6 पॉइंट चाहिए तो आप जा सकते हो पोको X3 के साथ में। बस ये थे हमारे ऑनेस्ट पॉइंट्स के साथ में ऑनेस्ट कंपैरिजन। अब आई होप सो कि आप ये जो पॉइंट्स देख के आसानी से यहाँ पर क्लियर कंफ्यूजन दूर कर पाओगे कि आपको क्या ये चीज चाहिए या ये चीज चाहिए, ये आपके ऊपर टोटली मैटर करता है कि आप कैसे टाइप के यूजर हो। मैं मेरे से अगर आप पूछते हो तो मैं बोलूंगा भाई क्लियर विनर कोई भी नहीं है, दोनों अपनी जगह पे काफी जबरदस्त है, अपने अपने यूजर्स को यहाँ पर जो है ये फोन अपने टारगेट कर रहे हैं। तो गाइस ये था हमारा ऑनेस्ट कंपैरिजन। बस हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना 20,000 रुपए में अगर आपका 20,000 का बजट है, आपकी प्रायोरिटीज को देखते हुए दोनों में से आपको कौन सा डिवाइस बेटर लग रहा है और दोनों में से आप कौन सा यहाँ पर डिवाइस को परचेस करने वाले हो मुझे जरूर बताना नीचे कमेंट्स में। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।